81 फुट की बालाजी भगवान की मूर्ति इंदौर से बनके तैयार हो चुकी है और वह निकली एक शोभा यात्रा के रूप में हम निकाल रहे हैं। उसको दिया है नाम दिव्य बालाजी स्थापना यात्रा। क्या कुछ आध्यात्मिक महत्व है भैया इस स्थान का और बालाजी भगवान की मूर्ति? इस स्थान का ये महत्व रहेगा कि जब ये 81 फुट की मूर्ति वहाँ लगेगी तो जैसे वेंकटेश भगवान के दर्शन लोग जो करने जाते हैं तिरुपति बालाजी, जो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे वो वहाँ के निमित्त इस मूर्ति के दर्शन करेंगे। ये स्टेचू के रूप में रहेगी। नीचे बालाजी भगवान की मंदिर की स्थापित हुई है। बालाजी भगवान के अतिरिक्त पद्मावती माता और जो महालक्ष्मी माता उनके मंदिर की भी स्थापना होनी है। तिरुपति बालाजी के साथ में हमारे ये लक्ष्य रखा है कि इस कंप्लीट होने तक नया पद्मावती टेम्पल, जो माता पद्मावती जो है जिनके दर्शन नीचे होते हैं तिरुपति में, और उसके अलावा जो गोलापुर में लक्ष्मी माता हैं उनकी मंदिर भी जो है वो यहाँ पे स्थापित किया जाए। आध्यात्मिक रूप से मंदिर के भीतर की पूजन पाठ की जो व्यवस्था है वो उनका संचालन कैसे हो? उनके संचालन के लिए अभी तिरुपति बालाजी से हाथीमठ के जो महंत हैं वो आके देखकर, जो विद्वान पंडित हैं उन्होंने आके हमको सजेस्ट कराया कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा लगेगी, उनका जो झंडा है, उनका जो स्थान बनता है, वो स्तंभ कैसे लगेगा, किस दूरी से वो संचालित होगी, ये सारी उन्होंने विधि विधान बताए गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही झाड़े के सिंगल पीस से उनका झंडा जो बाहर लगता है तो उसकी हम तैयारियाँ कर रहे हैं। और उसका महत्व ये रहेगा कि इस शहर की आपस की सुख शांति, निमाड़ और पूरा प्रदेश जो है हमारा वो खुशहाल बने, इसके लिए वो यज्ञ और प्रखंड पंडित द्वारा जो है वो स्थापित है। इसके लिए ट्रस्ट भी बनाया जाएगा क्या? इसके लिए ट्रस्ट भी हमने अभी सोची है, बालाजी फाउंडेशन। ये अभी जब तक बन के तैयार होगा तब तक हमारा पर्सन रहेगा, उसके बाद इसको सार्वजनिक रूप से दे देंगे। शोभा यात्रा खास क्या रहेगा? शोभा यात्रा का उद्देश्य हमारा ये है कि भक्तिमय माहौल बने, ये पूरे खंडवा से होते हुए लोग उसके दर्शन करें और इसमें जो जो भी लोग इसमें शामिल हो सकें तो वो सब इसके साक्षी बन सकें। जैसे अपन बताते हैं कि ये मूर्ति बनी थी, लगी थी, तो हमने इसको करीब से देखा है, हर घर में उसकी फ़ोटो लगे और एक अध्यात्म का माहौल।